एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो आज है दिवाली, मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम सब ने नहा लिया और दिवाली के अवसर पे हमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। और डुग्गू भी एकदम ना, डुग्गू से हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हाय, ये है पटाखे। कल से जब से पटाखे आए हैं, पटाखे लेके घूम रहे हैं और हम लोग सब लोगों ने नहा लिया, क्योंकि आज मैंने ऐसा मन में सोचा था कि बिना नहाए किसी को अन्न जल ग्रहण नहीं करना है, तो इसलिए पता नहीं क्यों किया था पर कर लिया था। वैसे डुगू को मैंने ऑलमोंड्स एंड मिल्क दे दिया है और यहाँ पर मेरी चाय बन रही है परम आदरणीय हस्बैंड के हाथों से। परम आदरणीय हस्बैंड के हाथों। बाप और बेटे ने ट्यूनिंग की है पर हम, मैंने और मेरे बेटे ने नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कुछ भी रेड नहीं है फिलहाल। इसलिए अभी मैं थोड़ा सा पूजा कर लूंगी और आज हम लोग रंगोली बनाएंगे, बहुत सारे काम करेंगे। कल सामान लेकर आई थी, उसको यहाँ पर रख दिया है। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर है। तो यार पता है यार, अपन ने ना फ्लावर को ना फ्रीज में नहीं रखा। मैंने सोचा था आज ब्रेकफास्ट में डोसा बनाऊंगी, लेकिन नहाने धोने में बहुत टाइम लग गया, 11:30 बज गए थे। तो फिर मैंने ब्रंच ही बना लिया और मैंने बनाई थी गर्मा गर्म पूरियाँ विद आलू की वो रस्सेदार सब्जी। गर्म गर्म पूरियाँ निकाल रही थी और ये तीनों खाया, उसके बाद मैंने भी खा लिया। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि दिवाली से पहले एटलीस्ट मैं सारे कपड़ों को फोल्ड कर दूँगी, पर हमेशा की तरह मुझे टाइम नहीं मिला। पर आज तो ऑप्शन था नहीं, मुझे करना ही था। तो मैंने एक मूवी लगवा लिया था और उसे देखते देखते पूरे पूरे 1 घंटे लग गए, पर मैंने सारे कपड़ों को समेट दिया है। और अब होती है शाम का टाइम हो गया था, इनफैक्ट ये सब करते करते लंच हमने नहीं किया क्योंकि हमारा ब्रंच ही हो गया था। अराउंड हमने 12:30-1 बजे के करीब खाया था। फिर मैं यहाँ पर फाइनल झाड़ू लगा रही हूँ और डुगू सुबह से परेशान है, पटाखे कब फोड़ेंगे। तो मैंने उसे मना के कैसे भी रखा है कि इवनिंग में करेंगे। सारे घर में मैंने झाड़ू दिया, फिर जहाँ पूजा करना है मतलब मंदिर है वहाँ मैंने पोछा मारा। मेन गेट पे भी मैंने आज झाड़ू लगाया, पोछा किया, क्योंकि मुझे रंगोली बनानी है। लास्ट ईयर जब मैं रंगोली बनाई थी तो बेबी बहुत छोटी थी, अराउंड 2.5 या फिर 3 मंथ्स की थी, क्योंकि अगस्त में उसका जन्म हुआ था। लेकिन इस बार सच में बेबी ने ना रंगोली बनाने में बहुत परेशान किए हैं, इनफैक्ट मज़ा भी आ रहा था। और पता है मुझे ना दिवाली का ना वन ऑफ द बेस्ट पार्ट लगता है रंगोली बनाना, क्योंकि मैं और हस्बैंड मतलब शादी के बाद से ना मैं कभी भी अकेले रंगोली नहीं बनाती हूँ, हस्बैंड के साथ बैठ के बनाती हूँ। और वो जो मोमेंट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस बार अलग था। अलग इसलिए था क्योंकि बेबी इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी कि कभी मैं और कभी हस्बैंड, तो इस बार हस्बैंड थोड़ा कम मेरी हेल्प कर पाए क्योंकि बेबी को वो देख रहे थे, तो वो हेल्प ही है। सिंपल सा मैंने पहले स्केच कर लिया चॉक से ताकि इजी रहे। और रंगोली का मतलब मेरे लिए होता है जितने कलर हैं उसको एकदम कलरफुल भर दो। वैसे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ शादी के बाद से ही मैं रंगोली बना रही हूँ और बनाते बनाते अब मैं इतना कह सकती हूँ कि थोड़ा बहुत तो अच्छा बना ही लेती हूँ यार। वैसे आप बताना मेरी रंगोली कैसी है। हस्बैंड इस बार हेल्प नहीं किए, लास्ट में थोड़ा बहुत किए थे क्योंकि वो मेरी सबसे बड़ी वाली हेल्प कर रहे थे बेबी को केयर करने में। बेबी बहुत बारी रंगोली को क्रॉस भी कर चुकी थी, पर क्या ही कर सकते हैं, अभी देखना वो वॉक करते हुए आएंगी और मैडम बस हो गया हमारा काम। तो इस तरह से उनको संभालते करते फाइनली हमारी रंगोली बन गई थी। पूरे पूरे 1 घंटे लग गए थे क्योंकि बेबी बीच बीच में बहुत इंटरप्ट कर रही थी, इनफैक्ट डुग्गू भी। तो डुग्गू को तो हम रंगोली देकर और उसे छत के टेरेस के स्टेयर्स पे छोड़ दिए थे कि तू जा वहाँ बना, तो उसने वहाँ पर बहुत सारे रंगोली बनाए थे अपने अंदाज में। बहुत मुश्किल से क्योंकि बेबी ने किया है, बहुत ज़्यादा परेशान। आई थिंक अच्छा है, क्यूट सा है, बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, मीडियम साइज़ का है। और बेबी ने मीन वाइल बहुत सारा ख़राब भी किया है, पर स्टिल ये बन गया है। अब मैं जाऊँगी किचन में, लंच के बर्तन भी मैंने वॉश नहीं किए थे वो वॉश करूँगी, थोड़ा बहुत कुकिंग करूँगी और पूजा की तैयारी मैंने मतलब पोछा वोछा तो मार ही दिया है, फ्रूट्स वगैरह धोने हैं तो वो धोऊँगी और उसके बाद पूजा करेंगे, रेडी होएंगे सबसे पहले।
मेरा मास्टर शेफ, मास्टर शेफ मनीष कुमार, मास्टर शिवान, शिवान, मास्टर शिवान। आधा खाना बन गया, मैंने सेवई बना ली है, सब्जी की तैयारी कर दी, हस्बैंड बना रहे हैं, आटा लगा लिया है, और राइस बनाऊंगी मैं, पुलाव बनाऊंगी और पूड़ियाँ बनाऊंगी, या फिर देखते हैं रोटी डुगू बोरा खाने के लिए मैं हूँ, क्योंकि बेबी ने बहुत परेशान कर दिया, लेकिन पूजा की तैयारी सब कर ली हूँ, अब जा रही हूँ, दोनों बच्चों को रेडी करूंगी और खुद भी रेडी होऊंगी, और फिर हम लोग क्या करेंगे, हाँ शिकया करेंगे, पूजा करेंगे, बोलेंगे जय श्री रामचंद्र की जय। वैसे तो सब्जी की सारी तैयारी मैंने करी थी, पर हस्बैंड ने बनाई थी, और सच बोलूँ ना, आज की सब्जी मतलब सबसे टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी, बहुत टेस्टी सब्जी उन्होंने बनाई थी, दिख तो बहुत ही टैम्पटिंग रही थी, पर टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब था। तो इधर हमारी सब्जी भी बन गई है और हम सब भी रेडी हो गए हैं, ये रहा डुग्गू का दिवाली लुक, और आज डुग्गू को मैंने दादी का दिया हुआ चेन भी पहना दिया है, बेबी भी रेडी हो गई है, हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं, और मैं भी रेडी हो गई हूँ। तो चलिए अब फाइनल टाइम है पूजा करने का, और त्यौहार हो और हम लेट ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो थोड़े बहुत हम लेट भी हो गए हैं, मतलब मैंने सोचा था कि 7 बजे से मैं अपनी पूजा स्टार्ट कर दूंगी, पर अभी 7:30 हो गए थे, पर कोई ना, फिर हम सब चारों ने बैठ के आराम से पूजा करा, बहुत अच्छा लगता है ना यार, मतलब दिवाली का इंतज़ार तो हम पूरे साल करते हैं, तो बैठ के आराम से हमने पूजा करी, और यहाँ पर देखो बेबी, बच्चों का मेकअप कब ख़राब हो जाता है पता नहीं चलता, वैसे बेबी के मतलब हेयर हस्बैंड ने बनाए थे, इसलिए आज उसके हेयर अच्छे से नहीं बने थे ऐसा मुझे लगता है, और डुग्गू मेरा हेल्पिंग हैंड बना हुआ था, मतलब वो कॉर्नर पे बैठा हुआ था, तो जो भी मुझे पूजा के लिए लग रहा था वो मुझे दे रहा था। तो फिर हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विधि विधान से दिवाली की लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करी। पूरे पूजा के दौरान डुगू ने भी मेरी बहुत हेल्प की, सारे दियों में बाती लगाया, उसने ऑयल पोर किया, उसे काफ़ी इंटरेस्ट आता है और उसे इन्वॉल्व करने में मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने दिया जलाया, सबसे पहले हम लोग भगवान के यहाँ दिया जलाते हैं, पूजा कंप्लीट करते हैं और फिर बाकी दीवा जलाकर घर के कोने कोने में लगाते हैं। तो सबकी फैमिली में पूजा करने का तरीका, रिचुअल्स फॉलो करने का तरीका अलग होता है, तो हमारी फैमिली में ऐसे ही होता है, पहले भगवान की पूजा करते हैं, वहाँ पे दिया जलाते हैं, और उसके बाद सारे दिए को जलाकर घर के हर कोने में, इवन वॉशरूम बाथरूम में भी हमारे यहाँ रखते हैं, तो मैंने भी ऐसा ही किया। सोबे मोस की सवारी, अंधा को आंख देत, कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे, संत करे सेवा, दीनन के दुख हरे, शंभु बल हारी।
हस्बैंड काफ़ी देर से बेबी को केयर कर रहे थे, उसको पकड़े हुए थे जब तक कि मैं पूजा कर रही थी, लेकिन इस टाइम तक बेबी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फिर मैंने सारा काम छोड़ दिया, थोड़ी देर बेबी के पास रही, उसे थोड़ा सा महनाया, और जब वो थोड़ा सा खेलने लगी फिर मैं अब घर के सारे कोनों में रंगोली पे हर जगह दिया लगाऊंगी। और ये पार्ट सबसे बेस्ट होता है, मतलब मज़ा आता है ना इस तरह से रंगोली को सजाना दियों के साथ। पूजा भी हो गई, घर के हर कोने में दिया भी जला दिया है, अब प्रसाद खाएंगे और नीचे जाएंगे पटाखे फोड़ने के लिए, क्योंकि डुग्गू काफ़ी देर से परेशान है और इस टाइम तक 9:30 हो गए थे। तो चलिए आप भी एक बार दर्शन कर लीजिए, और एक बार और मैं अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, अपने पूरे YouTube फैमिली को, मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। आई होप कि आप भी अपने घरों में बहुत अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट किए होंगे। हालांकि ये वीडियो जब तक जाएगा तब तक तो दिवाली निकल जा चुकी होगी, लेकिन पता है यार जब दिवाली ख़त्म हो जाती है ना, नेक्स्ट डे बड़ा ही सूना लगता है, क्योंकि हम पूरे साल इस फेस्टिवल का वेट करते हैं और एक झटके में ये निकल जाता है। तो यहाँ पर हम सब ने प्रसाद खाया, बेबी ने नहीं खाया, और बेबी ने यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा मतलब मोमेंट किया जो कि कैप्चर हो गया। पता है मैं बहुत वंडर थी, डुग्गू ने मुझे जब प्रणाम किया ना तो बेबी ने भी बिना कहे आकर मेरे पाँव छुए, और ये मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत आश्चर्य हुआ। बच्चे यार हमें देखकर भी बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं। बस डुग्गू ने आके सिंपली मुझे प्रणाम किया और बेबी को लगा कि मुझे भी करनी चाहिए, और फिर मैंने उसे बोला तो उसने वन बाय वन अपने पापा और भाई को भी प्रणाम किया। बेबी के कपड़े मैंने चेंज कर दिए क्योंकि उन कपड़ों में वो कंफर्टेबल नहीं थी, और उसे ज़्यादा देखना भी था क्योंकि हर जगह दिए जल रहे थे ना, तो सेफ भी फील नहीं हो रहा था। तो इस वजह से मैंने उसे कंफर्टेबल कपड़े पहना दिए हैं ताकि वो खेले, क्योंकि उस कपड़ों में वो ज़्यादा परेशान हो रही थी। और पता है बेबी के आज मैं एक भी पिक्चर्स नहीं ले पाई हूँ, और ये देखो बेबी डोर बंद कर रही है, मतलब हमेशा डोर क्लोज रहता है ना, तो उसे लगता है कि डोर को क्लोज ही रखना चाहिए। फिर हम नीचे गए, हमने अपनी केयर टेकर को स्वीट्स दिया, और चांदनी घर पे थी तो मैंने बोला चलो मिलकर सब पटाखे फोड़ते हैं। तो फिर हमने थोड़े बहुत क्रैकर्स फोड़े, हालांकि मुझे पटाखों से बहुत डर लगता है, स्पेशली साउंड वाले, लेकिन डुग्गू अब बच्चे हैं ना तो उन लोगों को बड़ा ही क्रेज़ आता है। तो फिर हमने थोड़ा सा टाइम यहाँ भी स्पेंड किया, पटाखे वटाखे फोड़े, घर जाके मुझे अभी अधूरा डिनर को कम्प्लीट भी करना है, तो लेकिन पहले सोचा कि चलो थोड़े बहुत क्रैकर्स को इन्जॉय करते हैं।
डुगू को हमने पहले ही डिनर करा दिया, उसने रोटियां खाने के लिए बोली थी तो उसने रोटियां खाई और फिर हमने पूरियों का प्लान स्किप कर दिया। वैसे भी मॉर्निंग में हम पूरियां खा चुके थे, तो ये हमारी बिल्कुल ही सिंपल और मतलब बहुत ही टेस्टी सा डिनर था, जिसमें था ज़ीरा राइस और पनीर की सब्ज़ी, बहुत अच्छी बनी थी और मज़ा आ गया खा के, और पेट वैसे भी फुल ही था, बट खाना इतना टेस्टी था कि हमने फिर भी ओवरडोज मतलब मैंने ले लिया। बहुत सारे कॉल्स आए थे क्योंकि फ़ोन को मैं घर पे ही छोड़ के चली गई थी नीचे, तो फिर मैंने अपनी दीदी को वीडियो कॉल लगा लिया है और बातें करते करते हम अपना डिनर इन्जॉय कर रहे हैं। पता है ये क्लिप ना आधे घंटे रिकॉर्ड हो गया था क्योंकि मैं भूल ही गई थी कि मैं कैमरा ऑन कर दी हूँ। सो चलिए, यही था हमारा दिवाली ब्लॉग। आपने दिवाली कैसे सेलिब्रेट किया मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं दिवाली की लाइट्स, और होप करती हूँ कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आए, हैप्पीनेस आए, और जिस तरह से दियो में रोशनी रहती है आपकी लाइफ में भी रोशनी रहे। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।